नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम चर्चा करने जा रहे हैं स्मार्ट व्यक्तियों पर, यानी चतुर व्यक्तियों पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्मार्ट व्यक्तियों की 5 आदतों की ओर। आर यू स्मार्ट? क्या आप भी है स्मार्ट, यानी आप भी चतुर हैं? ये 5 आदतों वाले लोग होते हैं दूसरों से ज्यादा स्मार्ट। जानिए आप में कितनी है मौजूद साइकोलॉजिकल टिप्स। स्मार्ट लोगों की आदतें ही उन्हें दूसरों से अलग दिखाती है। हम आपको 5 ऐसी आदतें बताने जा रहे हैं जो स्मार्ट लोगों यानी चतुर लोगों की पहचान होती है। जानिए आप में है इनमें से कौन सी आदतें। सभी के अंदर स्मार्ट बनने की चाह होती है। हर कोई चाहता है कि वह स्मार्ट हो। स्मार्ट का मतलब कभी भी आपके लुक से नहीं होता, बल्कि आपके सोचने और काम करने के तरीकों से होता है। आज हम आपको ऐसी 5 आदतें बताने जा रहे हैं जो स्मार्ट व्यक्तियों की निशानी होती है। अगर आप में भी ये 5 आदतें है तो आप अपने आसपास के लोगों से ज्यादा स्मार्ट है। आइए जानते हैं कौन सी है वो 5 आदतें जो आपको दूसरों से ज्यादा स्मार्ट यानी चतुर बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, स्मार्ट लोगों को अकेले रहना पसंद होता है। सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के मनोवैज्ञानिकों की एक रिसर्च के अनुसार जिन लोगों का आईक्यू दूसरे व्यक्तियों से ज्यादा होता है उन्हें ज्यादा भीड़भाड़ में रहना पसंद नहीं होता। इस रिसर्च में 18 से 28 साल की आयु वाले करीब 15,000 लोगों ने हिस्सा लिया था। इस रिसर्च में पाया गया कि जिन लोगों को अकेले रहना पसंद है वो ज्यादा स्मार्ट होते हैं। वैज्ञानिकों ने भी इसके पीछे एक थ्योरी भी दी है। इस थ्योरी के मुताबिक स्मार्ट लोगों को लगता है कि लोगों के बीच रहने से वो अपने गोल से भटक सकते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि वो अकेले रहकर अपने ऊपर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। अब आते हैं नंबर 2 पर। काम को पूरा करने के लिए मेहनत करने वाले स्मार्ट लोगों की पहचान होती है कि उन्हें लगता है कि वो जो अभी जीवन में कर रहे हैं उससे और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। इसके चलते वो अपने ऊपर प्रेशर बना कर रखते हैं। अगर कोई स्मार्ट व्यक्ति कुछ कर रहा है और उसे लगता है कि ये काम उसकी सफलता में कोई मदद नहीं कर रहा तो उन्हें लगता है कि वो फेल हो रहा है और अपने रिसोर्स बर्बाद कर रहे हैं। स्मार्ट व्यक्तियों की आदत होती है कि अगर कुछ भी उनके प्लान के मुताबिक काम नहीं हो पा रहा तो वो खुद को दोष देते हैं और उस काम को पूरा करने की दिशा में वो मेहनत करते हैं। चलिए नंबर 3 पर आते हैं। आपको है डे ड्रीमिंग की आदत, यानी दिन में सपने देखने की आदत। जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मनोवैज्ञानिकों ने एक स्टडी में पाया कि डे ड्रीमिंग यानी दिन में सपने और आपके दिमाग की क्षमता और ताकत के बीच एक कनेक्शन है। इस स्टडी का हिस्सा बने लोगों को 5 मिनट के लिए किसी एक चीज के बारे में सोचने को कहा गया। इस दौरान उनके ब्रेन को MRI स्कैन के जरिए मॉनिटर किया गया। उसके बाद उन्हें कई टेस्ट सोल्व करने के लिए कहा गया। इसके बाद स्टडी में पाया गया कि दिए गए टेस्ट में उन लोगों के नंबर ज्यादा आए जिनका दिमाग मॉनिटरिंग के समय ज्यादा एक्टिव था। नंबर 4 पर आते हैं। आप खुले विचारों के व्यक्ति हैं। स्मार्ट लोगों की पहचान होती है कि वो नए विचारों को लेकर हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। स्मार्ट लोग किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग विकल्पों का सहारा लेते हैं और दूसरों के सुझावों और विचारों को गहराई से सुनते हैं। मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक खुले विचारों वाले लोग जो दूसरों के सुझाव और विचारों को सुनने में दिलचस्पी लेते हैं दूसरों से ज्यादा स्मार्ट होते हैं। जी हाँ, आप भी अगर किसी को ज्यादा सुनते हैं और उनका गहन करते हैं तो आप ज्यादा स्मार्ट है।
नंबर 5 पर आते हैं, अलग अलग चीजों में ढूंढ लेते हैं समानता। स्मार्ट लोग कई बार किसी भी स्थिति को बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखते हैं। वो किसी भी स्थिति में वो सब भी सोच या देख पाते हैं जो दूसरे लोग नहीं देख पाते। स्मार्ट लोग अलग अलग चीजों में समानता ढूंढ लेते हैं। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि ये स्मार्ट लोगों की क्रिएटिव माइंड की वजह से होता है। तो क्या आप समझ पाए इस वीडियो के नजरिए से, या जो 5 आदतें स्मार्ट लोगों में होती है, क्या आपके अंदर भी वो मौजूद है? तो आप भी ढूंढिए कि आपके अंदर इन 5 आदतों में से कौन सी आदतें हैं। क्या आप भी स्मार्ट हैं, या इन 5 आदतों में से आपके अंदर एक भी नहीं है? तो ये आपको खोजना है, आपको ढूंढना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो प्लीज इसे शेयर जरूर करिए। और अगर आप जागो समाज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो चलिए, इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल,